नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। मैं हूं आपके साथ ऋतु बोरा, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम किसानों के लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आते हैं, साथ ही साथ किसानों के हित के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जहां पर 104वां किसान मेला आयोजित किया गया है। तो क्या कुछ खास है इस साल के किसान मेला में, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। करते हैं और आपको बता दें कि इस मेले में तकरीबन 450 से भी ज्यादा स्टॉल लगे हैं, ना सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे देश से किसान इस मेले में भाग लेने को आए हैं। मेरे आसपास की इस चहल पहल को देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस मेले में किसान और जो लोग हैं यहाँ के आसपास के लोगों को जो उत्साह है वो देखने को ही मिल रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान हमारे देश की रीढ़ है, उन्हीं के अथक प्रयासों से आज हमारे देश का हर एक नागरिक अपना पेट भरता है। पूरे वर्ष धूप हो या शाम, किसान अपने खेतों को अपने पसीने से जोतता है और उन्हीं की कोशिशों के बाद हमारे देश की मिट्टी सोना उगलती है और ये सोना हम अपने खेतों में लहलाता हुआ देख सकते हैं। खेती किसानी ऐसा क्षेत्र है जहां महिला और पुरुष दोनों ही बराबर की जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसानों का मनोबल और दृढ़ करने के लिए कई कोशिशें की जाती हैं। उन्हें नई तकनीकों की जानकारी से अवगत कराया जाता है और ऐसे में किसान मेला बेहद अहम भूमिका निभाता है। देश भर के किसान मेले में हिस्सा लेकर जानकारियां हासिल करते हैं। ऐसा ही एक मेला आयोजित किया गया जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर उत्तराखंड में। ये 104वीं अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी थी। विश्वविद्यालय के निदेशक बताते हैं कि इस तरह के मेले साल में दो बार आयोजित किए जाते हैं। एक मेला रबी की फसल से पहले अक्टूबर के मध्य में होता है और दूसरा खरीफ की फसल से पहले मार्च में होता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का ये 104वां किसान मेला है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और जो कृषि निवेश उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं उनको एक साझा मंच हम प्रदान करते हैं, जहाँ पर किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार, चाहे वह छोटा किसान है या बड़ा किसान है, नई नई तकनीकों का प्रदर्शन देख सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिकों से करा सकते हैं और कृषि निवेश अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद भी सकते हैं। मेले में आकर किसानों को कम समय में ही एक ही जगह पर कई नई तकनीकों की पूरी जानकारी मिल जाती है। खेती किसानी के सारे संसाधन किसानों को इस मेले में मिल जाते हैं। डॉक्टर YPS डबास ने भी ये बताया कि इस मेले में तकरीबन 400 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। इस मेले में हमने कोशिश की है कि किसानों के लिए आवश्यकता के अनुसार जो सभी संसाधन है, जो कृषि निवेश में आवश्यकता है, चाहे वे बीज हैं, कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, कीटनाशी खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं, पशुओं की दवाइयाँ हैं, पशुओं का पोषक फीड वगैरह हैं और जो प्लांटिंग मटेरियल है उनकी उपलब्धता हम किसानों ने के लिए यहाँ पर की है और करीब 400 से अधिक छोटे बड़े स्टॉल यहाँ पर हमने लगवाए हैं, जो पूरे इंडिया से और लगभग मल्टीनेशनल फर्म से द्वारा ज़्यादातर लगाए गए हैं। मशीनीकरण से खेती को एक आधुनिक रूप दिया जा सकता है और यही कारण है कि आज हमारे किसान भी इसमें रुचि लेने लगे हैं और इसलिए इस मेले में बड़े और छोटे किसानों दोनों के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। मेला अच्छा है जी, बहुत अच्छा है मेला। हर चीज सब्जियां भी ले जाते हैं, सब्जियों के बीज ले जाते हैं, फूल के बीज ले गए थे और ये गेहूं का बीज ले जाते हैं हम।
गेहूँ का बीज अच्छा होता है यहाँ का पंतनगर का। हाँ हर साल आते हैं हम। पिछले साल हम पुलाव ले गए थे, अब की ये रेजर लिया है। हर मेले से कुछ ना कुछ ले जाते हैं। पिछले साल सीडल ले गए थे। पहले हाँ सुल्तानपुर से हम आए हैं पहली बार यूपी से, और यहाँ पे जो है मतलब हमको जो है काफ़ी जो है मतलब जानकारी हासिल हुई मशरूम के बारे में, जो हम जानकारी लिए उसको कल हमको जो है लेके जाना है, और अभी कल तक जो रहेंगे और कल जो है लेके जाएंगे। विश्वविद्यालय के निदेशक ने ये भी बताया कि इस मेले में तकरीबन रोजाना 50,000 के करीब किसान भाग लेते हैं। इस मेले में किसानों को कृषि जगत से जुड़े हुए दूसरे व्यवसायों के ऊपर भी जानकारी दी गई। ये 5 तारीख से ये जो किसान मेला चला है इसमें लगभग प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा किसान यहाँ पे आ रहे हैं और विभिन्न निवेशों का क्रय कर रहे हैं और तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान मेला निस्संदेह किसान भाइयों को लाभदायक होगा, वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों से मेरी ये भी अनुरोध रहेगा कि जो किसान पड़ोस के हैं आपके या आप दूसरे गांव के हैं जो नहीं आए हैं, उनको भी इन तकनीकों के विषय में जरूर बताएं। मेले में कई तरह के स्टॉल देखने को मिले। कई कृषि विज्ञान केंद्रों ने अपने स्टॉल इस मेले में लगाए हुए थे। उन्हीं में से एक था केवी के चंपावत का स्टॉल, जहां मौजूद विशेषज्ञ ने किसानों से जैव उर्वरक एजोला के ऊपर जानकारी साझा की। जैसा ये किसान भाई देख रहे हैं, ये एजोला है जो हमारा जैव उर्वरक है। अगर हम इसका जो धान में प्रयोग करते हैं, धान की जब 7 से 8 दिन की बाद जब रोपाई हो जाती है उसके बाद हम इसको खेत में डालते हैं, तो क्या होता है खेत में डालने के बाद ये 20 से 30% नाइट्रोजन की हमारी बचत करता है। साथ ही जो हमारे दुधारू पशु हैं, अगर हम एजोला को उसको देते हैं तो हमारा 10 से 15% जो है दूध की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसमें 20 से 30% प्रोटीन की मात्रा होती है। साथ ही जिन किसान भाइयों ने मुर्गी पालन किया है, अगर वो दाने के रूप में दें तो इसका 20% दाने की बचत होती है। जिस किसान भाई ने मछली पालन किया है वो मछली को भी खिला सकता है, और साथ में जो हमारा बकरी पालन है उसको भी ये दे सकता है, सुगर पालन भी इसको आराम से खाता है। एजोला के बाद आपको बताते हैं जैविक कीटनाशक के बारे में, जिसे कि हमारे किसान स्वयं घर में ही तैयार कर सकते हैं। ये कीटनाशक गौमूत्र से तैयार किया जाता है। ये जैविक कीटनाशक हम गौमूत्र से तैयार करते हैं, और गौमूत्र से तैयार करने के लिए हम मान लिया हमने 4-5 लीटर गौमूत्र लिया और उसको एक घड़े में रख लीजिए, उसके साथ में हम 250 ग्राम प्याज छिली हुई प्याज उसमें डाल दें और 250 ग्राम उसमें लहसुन की कलियां डाल दें, 100 ग्राम कम से कम लाल मिर्च का पाउडर और कुछ नीम की पत्तियां डालकर घड़े को ऊपर से बंद करके रख देते हैं, और उसको 20-25 दिन हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। उसके बाद में 20-25 दिन बाद उसको निकाल के हम उसको छान लेते हैं। छान लेने के बाद में हम इसको कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और हम इसमें जो छनके आएगा तैयार होगा कीटनाशक, उसमें उसका 1/4-1/5 हिस्सा पानी मिलाकर हम फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए ये मुख्य रूप से सब्जियों में काम आता है, और जैसे छोटे कीड़े हैं, एफिड हैं, या जो पत्ती का रस चूसते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। 10 दिन के अंतराल पर हम 2-3 छिड़काव करें तो छोटे कीड़े सब उससे मर जाते हैं और दूर हो जाते हैं, तो उससे फसलों का ख़ास तौर से सब्जियों का बचाव होता है। या लाही वगैरह में भी यूज कर सकते हैं जिसमें माहू लगता है। इसके अलावा हम इससे बीज उपचारित भी कर सकते हैं सब्जियों का, और इसमें हम अगर थोड़ा 5 लीटर हमारा गौमूत्र तैयार है तो उसमें 250 ग्राम हम अगर ट्राइकोडर्मा पाउडर उसमें मिक्स कर दें, मिला दें, तो वो एक जैविक फफूंदी नाशक है ट्राइकोडर्मा पाउडर, तो उससे हम बीज उपचारित भी कर सकते हैं, और अगर छिड़काव करेंगे तो उससे बीमारियों का बचाव भी होगा और जो जड़ में लगने वाली बीमारियाँ हैं फसलों की उनसे बचाव होता है। जो जड़ में जैसे डैम्पिंग ऑफ है, रूट रॉट है, जड़ गलन, या अदरक में हम करते हैं प्रकंद गलन का रोग आता है तो वो दूर होता है उससे।
तो जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में चल रहे किसान मेले पर आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारे ये खास कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। जीबी पंत विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चल रहे किसान मेले में किसान आए हुए, उनका उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इस मेले में किसानों के उपयोग के लिए कृषि यंत्रों का भी प्रदर्शन किया गया। खेती किसानी को सरल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कई तकनीक इस मेले में दिखाई गई। उन्हीं में से एक था पहाड़ों के लिए बनाई गई धान और गेहूं के छोटे खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन। ये है मिनी एक्सेल फ्लो पैडी थ्रेशर। ये स्पेशली पहाड़ों के लिए बना हुआ, हिली रीजन्स के लिए। हिली रीजन्स में सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी गेहूँ और धान को निकालने के लिए। तो हम लोगों ने एक मिनी एक्सेल फ्लो पैडी थ्रेशर ऑपरेट करा है, जो कि स्पेशली विद मोटर चलता है। मोटर इसलिए कि पहाड़ों में बिजली की समस्या थ्री फेस में है और डीजल और पेट्रोल इजीली नहीं मिलता, तो इसलिए हमने 3 हॉर्स पावर की सिंगल फेस मोटर लगाई है, ताकि किसानों को बिल्कुल अपने घर की नॉर्मल बिजली से वो इसे ऑपरेट कर सकें, इसे चला सकें, और जितनी अपनी फसल है वो आराम से गेहूँ और धान इस मशीन से निकाल सकते हैं। आज का किसान बहुत ही जागरूक है और इस बात को वहाँ मौजूद लोगों ने भी माना। फिर चाहे मशीनों की परख करके उसे चुनना हो या फिर कृषि संसाधनों का इस्तेमाल करना हो, किसान सूझबूझ से अपने फैसले लेते हैं, और इस मेले में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। काफी अंतर आ चुका है इस किसानों में, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में कुछ साल पहले ही लॉन्च किया है, तो उससे कस्टमर पहले बीकेटी जो जानते थे वो थोड़ा दिमाग से उनके मिस कर गया था, लेकिन जब से हमने यहाँ पे इवेंट लगाना शुरू किया है उससे हमारे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और नॉलेज काफ़ी अच्छी बढ़ी है कस्टमर के साथ। तो उससे कस्टमर जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद सब लोग उस प्रोडक्ट की काफ़ी तारीफ करते हैं। फार्मर पहले इतना जागरूक नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, मगर आज की तारीख में फार्मर के लिए जो आदमी सीखना चाहता है उसके लिए नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस विज्ञानकों द्वारा आविष्कृत करी हुई, उससे फार्मर अपनी उपज भी बढ़ा सकता है, अपनी कल्टीवेशन का खर्चा भी कम कर सकता है। जो काम 5-5 बार हैरो करने से होते थे, आज की तारीख में रूटावेटर है, पावर हैरो है, और ऐसे बहुत से आधुनिक यंत्र हैं जिससे फार्मर अपना खर्चा भी बचा सकता है और उपज भी बढ़ा सकता है, साथ में उसकी इनकम बढ़ती है। मेला हम लोगों के फायदेमंद भी है, सुंदर भी है, और जो भी चीज़ किसानों के लिए दिया जा रहा है सुविधा वो बढ़िया है। जो भी सामान किसान लेना चाहे डिस्काउंट भी उस पर उनको मिल रहा है। मैं इस मेले में पहली बार आया हूँ। ये मेला हमको बहुत सुंदर लगा, और इस मेले में अवसर हमको मिला कि हमारे ब्लॉक से जो अधिकारीगण हैं वो हमको बहुत कुछ जानकारी दिए मेले के बारे में, और 2 घंटे से इस मेले में हम टहल रहे हैं, और ये मेला हमको ऐसा लग रहा है कि आज मोदी सरकार ने हम जो किसान भाइयों को ये सुख सुविधा दी है, बहुत अच्छा लग रहा है इस मेले में टहलने के। इस मेले में आकर्षण का केंद्र रही पराली के प्रदूषण को कम करने वाली मशीन। इस मशीन के इस्तेमाल से धान की फसलों के अवशेषों को जलाना नहीं पड़ता। देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा पोल्यूशन का चल रहा है, एयर पोल्यूशन, क्योंकि जो धान के ठुंड होते हैं उनको, धान को
किसान को जलाना पड़ता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से दुनिया भर के कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसेस अपने वातावरण को प्रदूषित करती हैं। ये एक इम्प्लीमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इम्प्लीमेंट हम इसको मल्चर भी कहते हैं, श्रेडर भी कहते हैं। इसका काम है जी, जो धान के आपके बूथे होते हैं उनको जब कंबाइन या किसी चीज़ से कटाई कर दी जाती है, वो अवशेष उसको बिल्कुल बारीक कर देता है। बारीक अवशेष करने के बाद उसमें पहला पानी लगते ही वो पूरा गल जाता है। पहली बार में रोटावेटर प्लाव या रिवर्सेबल प्लाव का उपयोग करने के बाद वो चीज़ मैन्योर में बदली जाती है। आप सभी किसानों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें और अपने वातावरण को सुरक्षित करें। इस ट्रैक्टर ने मेले में आए हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यही कारण था कि इस ट्रैक्टर को देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ था। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ये खास कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम मकदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान शब्द सुनते ही हमारे जहन में जो छवि उत्पन्न होती है वे होती है पुरुष की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आजकल हमारी महिलाएं पुरुषों से एक कदम आगे हैं, चाहे वे कोई भी क्षेत्र हो। इस मेले में भी हमें बहुत सी महिलाएं ऐसी मिली हैं जो आज अपनी मेहनत से सशक्त हैं, मजबूत हैं। तो आइए आपको भी कुछ ऐसे ही महिलाओं से रूबरू कराते हैं। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा, जहां पर महिलाओं को सिर्फ घर की दहलीज तक ही सीमित रखा जाता था। आज महिलाएं खुद को सशक्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं, और इस मेले में भी हमें कुछ ऐसी ही सशक्त और कामयाब महिलाएं मिली, जिन्होंने समाज की बनी कुरीतियों का मुंह तोड़ जवाब अपनी प्रतिभाओं से दिया। फिर चाहे वो अचार, मुरब्बा, नमकीन बनाना हो या फिर दस्तकारी से तैयार उत्पाद बनाना हो, इन महिलाओं के संघर्ष का तेज इनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की देवकी देवी 24-25 साल से नमकीन बनाती है। 24-25 सालों से नमकीन का काम कर रही हूँ। पहले मैं वहाँ की लोकल नमकीने बनाती थी, फिर उसके बाद एक बार यही पंतनगर विश्वविद्यालय के किन्हीं प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप मैडम पहाड़ से हैं, पहाड़ के अनाज दालों पर क्यों नहीं अपना ध्यान केंद्रित करती। तब से मैंने वहाँ के जो अनाज थे जैसे मडुआ, भट, गहत, झंगोरा, इन चीज़ों पर मैंने काम शुरू किया, जिससे मैंने जिनको ये इस मोटे अनाज को जो पहले गाय भैंसों को खिलाए जाते थे उनका मूल्य संवर्धन कर मैंने उनको नमकीन के रूप में परिवर्तित किया, उनका मूल्य संवर्धन कर।
जमुना स्वयं सहायता समूह भी ऐसी प्रतिभाशाली महिलाओं को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाता है, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करता है। हमारी एक SHG है जो हम लोग हल्दी मतलब खुद बनाते हैं और पैकेट तैयार करते हैं, और बाकी हम लोग मूझ घास का सारी महिलाएं ये काम करते हैं और बेंत का भी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी ये लहसुन का अचार बनाया है, इस बार हम लोग लहसुन का अचार बनाया है, मिर्च का भी अचार बनाए हैं, पापड़ भी बनाया है, और ये बेंत की टोकरियाँ हैं जो हम लोग महिलाएँ वहाँ SHG की जो महिलाएँ हैं वो लोग बना रही हैं इस चीज़ का। मेले में कुछ महिलाएं ऐसे भी थी जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं से वहां आए लोगों का दिल जीता। लास्ट दिसंबर से जो है काम करना शुरू किया था कालीनगर में, ये इसका सखी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है हैंडीक्राफ्ट सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर का, जिसमें ये महिलाएं सीख भी रही हैं और ये बना भी रही हैं। ये प्रोडक्ट्स जितने भी यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट ये सीख भी रही हैं और बना भी रही हैं, ये सब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, इससे इनकी अर्निंग भी होगी और यही हमारा मकसद है। एज ए ट्रेनर मैं यहाँ पे काम करती हूँ, सिखाने का काम मैं लेडीज़ को यहाँ पे करती हूँ, और ये सब आइटम वहाँ पे सिलाई और ये सब आइटम वहाँ सिखाए जाते हैं। वहीं हम लोग ये गांव की जो लेडीज़ वगैरह हैं सबको हम उन लोगों को यहाँ पे सिखाते हैं, ये सामान वगैरह जो सब है हम लोग सब इन लोगों को यहीं से ही अपने सेंटर से ही हम लोग इन लोगों को सारा सामान अपने साथ अपने से ही देते हैं, और ये इन लोगों को हम लोग आइटम यहाँ पे सिखाते हैं ताकि लेडीज़ों को कुछ बनाना आए, सब चीज़ सिखाएं ताकि उन्हें बनाना आए, अपना और भी काम भी लोग करनी वगैरह इसे कर सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के क्षेत्र एक बेहतर विकल्प है, ये न सिर्फ उन्हें रोजगार देते हैं बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ते हैं और उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने की ताकत देते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने आपको GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में आयोजित किसान मेले के बारे में जानकारी दी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ईमेल के जरिए भी बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.dk@gmail.com। अगर आप हमें पत्र भी लिखना चाहते हैं तो आप हमें पत्र के जरिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कमरा नंबर 10 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।